Shivaya. Om Namah Shivaya. गिरजे बैठो। क्या सोच रही हो गिरजे? संसार वासियों के बारे में प्रभु, आज धरती पर चारों तरफ पाप का अंधेरा छाया हुआ है और उस अंधेरे में मनुष्य भटक रहे हैं, अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं प्रभु। गिरजे प्रभु, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसे पालन करने से सब प्राणियों के कष्ट दूर हो सके? उपाय है देवी। कौन सा प्रभु? तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा प्रभु, क्या तीर्थ यात्रा करने से मनुष्य के दुख दूर हो सकते हैं? अवश्य हो सकते हैं देवी। तीर्थों में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए जो मनुष्य तीर्थ यात्रा करते हैं उनके समस्त दुख दूर हो जाते हैं और वो मनोवांछित फल पाते हैं। मनोवांछित फल पाता है? हाँ गिरजी, आज से हजारों वर्ष पहले सिमंत्री नाम की एक सती हुई थी जो अपने पति के साथ नित्य पूजा पाठ किया करती थी। ओम रुद्राय विश्वेश्वराय महेश्वराय नमः। महेश्वराय नमः। ओम नमः पार्वते पते। हर हर महादेव। मेरा रोम रोम बोले, हर हर महादेव बोले। मेरा रोम रोम बोले, हर हर महादेव बोले। हर हर महादेव बोले, हर हर महादेव बोले। मेरा रोम रोम बोले, हर हर महादेव बोले। भक्तन के रखवाले तुमरी महिमा अपरंपार। तुमरी महिमा अपरंपार। शरण जाए उसकी नैया पार हो बिन पतवार। नैया पार हो बिन पतवार। तुम चाहो तो गूंगा गाए अंध नयन खोले। हर हर महादेव भोले। मेरा रोम रोम बोले, हर हर महादेव बोले। हर हर महादेव बोले, हर हर महादेव बोले। मेरा रोम रोम बोले, हर हर महादेव बोले। शंकर का भोले। हर हर महादेव भोले। मेरा रोम रोम भोले, हर हर महादेव भोले। हर हर महादेव भोले, हर हर महादेव भोले। मेरा रोम
हर महादेव बोले, हर हर महादेव बोले, मेरा रोम। राचार रुक जाओ। क्या हुआ राचार? सर्वनाश, हम किनके गुनगा रहे थे? भगवान शिव के। हम पाप के सेवक हैं, अब धर्म का प्रभाव हम पे कैसे पड़ गया? ओ बच गए, कहीं पाप देव देख लेते तो मैं आरे जाते। मारे जाते। स्वामी सिमंतनी, क्या बात है सिमंतनी, आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही। प्रसन्नता की तो बात ही है। बात है? क्या बात है बताओ भी तो। ये क्या? शुभ कार्य में चुपचाप बैठे रहते हैं। शुभ कार्य? पर देवी जी अब तो बताओ, किस खुशी में ये मेरा आदर सत्कार और ये पूजा हो रही है? आपको क्या रही? बताओ। हाँ बताओ। आज हमारे विवाह की प्रथम वर्षगांठ है। आज ही के दिन मेरी मांग का मोती जगमगा उठा था। ओहो, मुझे तो याद ही नहीं रहा। सिमंतनी, ये दिन बार बार हमारे जीवन में आए, हम दोनों सदा प्रेम के बंधन में यूं ही बंधे रहे। सिमंतनी, तुम्हें पाकर मैंने सब कुछ पा लिया। मुझे भी सब कुछ मिल गया है। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे सुहाग के फूल सदा मुस्कुराते रहे, मैं सदा आपके चरणों की सेवा करती रहूं। आओ दुराचार अनाचार असत्य आगे पृथ्वी से ना महाराज। सुनाओ वहाँ क्या हो रहा है? हर जगह आप ही का राज है। लोग सुरा और सुंदरी में डूबे हुए हैं महाराज, घर घर में भे, भे। अभी चार फैला हुआ है, चारों ओर आपका बोलबाला है और धर्म का मुंह काला है, हर जगह आप ही की जय जयकार है। हमारी जय जयकार, हमारी जय जयकार तो सदा ही होती रहेगी और पृथ्वी से धर्म का नाम मिटा दिया जाएगा। क्या आप नहीं जानते पाप देव कि कितने ही युग आए और चले गए, परंतु आज तक इस धरती पर सने धर्म को कोई मिटा सका और न मिटा सकेगा। तुम भूल रहे हो धर्मदेव, ये द्वापर त्रेता सतयुग नहीं कलयुग है, हमारा युग है, इस युग पर हमारा प्रभाव है और वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। ऐसा भ्रम पहले भी आपको कई बार हो चुका है पापदेव, जब जब इस धरती पर पाप का प्रभाव बढ़कर धर्म की हानि हुई है, धर्म के रखवालों ने अवतार लेकर आपका प्रभाव नष्ट कर दिया है। धर्मदेव, तुम्हें मेरी महत्ता को स्वीकार करना होगा, आज समस्त पृथ्वी पर मेरी छाया है, मेरा ही प्रभाव है। आपकी वो छाया अस्थिर है, आपका वो प्रभाव क्षणभंगुर है। पापदेव, आपकी राह पर चलने वालों का जीवन भ्रष्ट हो जाता है। तुम तो अपने मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों को मरने के बाद स्वर्ग प्रदान करते हो धर्मदेव, और हम तो अपने अनुयायियों को सुरा सुंदरी कंचन देकर जीते जी स्वर्ग प्रदान कर देते हैं। पापदेव, सुरा सुंदरी और कंचन के बल पर दिया हुआ आपका स्वर्ग मृगजल है, धोखा है। आपकी माया में पड़कर आनंद भोगने वाले अनंत जीव नरक में पड़ जाते हैं, परंतु धर्म की राह पर चलने वाले उत्तम जीव अमरत्व को प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी महत्ता मानिए। धर्मदेव की जय। पापदेव महान है, धर्मदेव महान है, पापदेव महान है। नारायण नारायण, शांति शांति शांति, कल्याण हो। पापदेव, धर्मदेव, क्या बात है आज आप दोनों अपने भी सेनाओं के साथ आकाश के अखाड़े में खम ठोक के खड़े हो गए? नारद जी, बात ही ऐसी है। अच्छा हुआ देवर्षि आप आ गए। नारद तो सदा समय पर आ ही जाता है,
किंतु लगता है कि आज का समय कुछ आज आपको न्याय करना होगा। नारायण नारायण, कैसा न्याय? यही कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारायण नारायण। हाँ देवर्षि, अब आप ही न्याय कीजिए। नारायण नारायण, मेरी तो समझ में नहीं आता किसे छोटा कहूं और किसे बड़ा। पाप देव, आप ठहरे मेरे मित्र और धर्म देव, आप मेरे पूजन, और मैं तंबूरे वाला भोला भाला, मैं भला किसी का क्या न्याय कर सकता हूँ। भाई देखो, मुझे इस चक्कर में मत डालो, मैं चला। हमारे पापदेव का न्याय आपको करना ही पड़ेगा। हाँ जी, करना ही पड़ेगा। हाँ मुनिराज। नारायण नारायण, ना जाने आज सवेरे सवेरे किसका मुंह देख लिया है मैंने। भाई मुझे जाने दो। मेरी तो हड्डी पसली बराबर कर दी। शीघ्र न्याय कीजिए, नहीं तो आप भी बराबर हो जाएंगे। हाँ देवर्षि, आप ही हमारा न्याय कीजिए। मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं आपका न्याय नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो फिर ये बताइए देवर्षि कि वो कौन महापुरुष है जो हमारा न्याय कर सकेगा। महापुरुष? आ गया ध्यान में, पृथ्वी पर भारतवर्ष में एक ऐसा महापुरुष है, सिमंतनी का पति शिव भक्त महाराज अधिराज चित्रांगद। महाराज चित्रांगद की है, महाराज चित्रांगद की है, महाराज चित्रांगद की है, महाराज चित्रांगद की है, महाराज चित्रांगद की है। सदा जनहित परायण न्यायप्रिय राजा चित्रांगद की जय हो। न्यायप्रिय महाराज चित्रांगद की जय हो। राजन, आपके न्याय का सूर्य केवल धरती को ही नहीं परंतु समस्त लोगों को प्रकाशित कर रहा है। आपकी महान कीर्ति की उत्तुंग पताका आकाश की ऊंचाई को छूकर लहरा रही है। आपके निष्कलंक चरित्र से प्रभावित होकर धर्म और पावदेव को भी अपना न्याय कराने के लिए यहां उपस्थित होना पड़ा। पाप और धर्मदेव, देवलोक की दो महान शक्तियां पृथ्वी पर हमारे दरबार में, देव हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान हो, कल्याण हो। महाराज, आज तक आपने अनेक न्याय किए हैं, किंतु आज आपको हमारा न्याय करके ये सिद्ध करना होगा कि हम में कौन बड़ा है, कौन छोटा। एक और धर्मदेव, एक और पाप, इनका न्याय हम कैसे कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के परम भक्त सम्राट चित्रांगद किस चिंता में पड़ गए। राजन, निर्भय होकर न्याय कीजिए। न्याय अवश्य होगा देव, किंतु पहले आप दोनों महानुभव हमारा सत्कार स्वीकार कर आदर से आसन ग्रहण कीजिए। ठीक है, हम आसन ग्रहण करते हैं। पधारिए। पावदेव, पहले आप। हाँ, पहले हम। अवश्य। चांदी का? चांदी का? सोने का? सोने का। सत्यमेव जयते।
हमारा न्याय शीघ्र कीजिए महाराज। न्याय तो हो चुका है देव। न्याय हो चुका? वो कैसे? आप लोग अपने अपने सिंहासन पर ध्यान दीजिए। इन दोनों सिंहासनों ने आपका न्याय कर दिया। पाप देव, आपका स्पर्शपाती स्वर्ण सिंहासन काला पड़ गया, किंतु धर्मदेव का स्पर्शपाती ही साधन सा सिंहासन स्वर्ण का हो गया। इसलिए पारस मणि तुल्य धर्मदेव निश्चय ही महान है। महाराज चित्रांगद का न्याय। महाराज चित्रांगद की ये न्याय नहीं, अन्याय है। महान धर्म नहीं, हम हैं। तुम जैसे केवल दो चार प्राणियों को छोड़कर समस्त पृथ्वी और देवलोक पर हमारा संपूर्ण अधिकार। आप भूलते हैं देव, चमकते हुए असंख्य तारागणों के मध्य जब एक अकेला सूर्य उदय होता है तो उनकी चमक मध्यम पर जाती है। इसीलिए धर्म के मार्ग पर चलने वाला एक मानव भी असंख्य पापियों से महान है। महान है? अब ये चक्षुर्वय सत्यम देख कर इसी में बुद्धिमानी है पाप देव, कि आप अपना अहंकार और क्रोध छोड़ दीजिए। राजा चित्रांगद ने अपने न्याय द्वारा ये सिद्ध कर दिया है कि हम में कौन बड़ा है और कौन छोटा। सत्यम शिवम सुंदरम। परंतु हम अपनी शक्ति के द्वारा सिद्ध कर देंगे कि धर्म और धर्म के मार्ग पर चलने वालों से हम अधिक महान हैं। सीमंतनी, तुम्हारे पति ने हमारे साथ छल कपट किया है। नहीं देव, स्वामी का न्याय तो हंस के समान प्रसिद्ध है, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। छल कपट तो आपकी दुनिया में होता है देव। सीमंतनी, तुम घी बनकर हमारे क्रोध की ज्वाला को भड़का रही हो। संभवतः तुम हमारी शक्ति से परिचित नहीं हो। परिचित तो हूँ किंतु भयभीत नहीं। जो हमसे भय नहीं खाता उसका हम विनाश कर देते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने वालों का कभी विनाश नहीं होता। धर्म की शक्ति अखंड, अजर और अमर है। ये तुम्हारा भ्रम है, झूठा अभिमान है। नहीं, ये हमारी धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा है, हमारा अखंड विश्वास है। महारानी, हम तेरे इस विश्वास को धूल में मिलाकर रख देंगे। हमसे टकराने वाली रानी, हम तेरे घमंड को चूर चूर कर देंगे। लगता है अपनी शक्ति का परिचय अब देना ही होगा। ले देख हमारी शक्ति। देख ली हमारी शक्ति? अपने न्याय से हमें नीचा दिखाने वाले अन्यायी राजा को हमने अपनी शक्ति द्वारा निरहित कर दिया है। अब तुझमे और तेरे धर्म में शक्ति हो तो इसे पूर्वावस्था में ले आना। नारायण नारायण। सब पुण्य और सदाचार बहुत खुश होकर झूम झूम कर धर्मदेव की जय बोल रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ धर्मदेव की नहीं, पापदेव की जय बोलो। पापदेव की? पापदेव की? मुनिवर, कहाँ हमारे धर्मदेव, कहाँ पापदेव। मुनिवर, क्या आपको पता नहीं महाराज चित्रांगद ने न्याय से हमारे धर्मदेव को महान बताया। नारायण नारायण, धर्मदेव तो महान होकर वहां से चले आए, परंतु जानते हो उनके आ जाने के बाद वहां क्या हुआ? देवर्षि, हमें भी तो बताइए क्या हुआ। नारायण नारायण, ये क्या कर रहे हैं देवर्षि? मैं देख रहा हूँ कि आपका शरीर आपके पास है या आप भी देहरत हो गए। पहली आने पूछाई देवर्षि, जो कुछ हुआ उसे स्पष्ट बताइए। सुनिए, पाप देव ने अपना बदला लेने के लिए आपके भक्त चित्रांगद को देहरत कर दिया है। चित्रांगद को देहरहित कर दिया? धर्मदेव, पाप ने तो अपना काम कर दिया, अब आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। नारायण नारायण नारायण। स्वामी, मेरे स्वामी। पुत्री। धर्मदेव, ये सब क्या हो गया? मेरे स्वामी मुझसे दूर हो गए, मैं क्या करूं धर्मदेव, मैं क्या करूं?
धर्मदेव, बिना अपने लाल के हम कैसे जी पाएंगे? धीरज रखो पिताजी। बेटा। स्वामी, धर्मदेव, ये तो मेरे लाल की आवाज है। कहाँ हो मेरे लाल? बोलो बेटे, कहाँ हो? यही तुम्हारे पास। मैं सबको देख रहा हूँ माँ, किंतु दुख है आप मुझे नहीं देख सकते। धर्मदेव, ये कैसी माया है? चिंता मत कीजिए, आपका पुत्र केवल देह विरहित हुआ है, परंतु प्रत्यक्ष में वो जी। हाँ, और शरीर न होते हुए भी वो अपने सूक्ष्म शरीर से सभी काम कर सकते हैं। हाँ, धर्मदेव ठीक कहते हैं, शरीर ना होते हुए भी मुझ में शक्ति है, मैं सभी कार्य पहले की तरह कर सकता हूँ। देखो माँ, मैं धर्मदेव को अभिनंदन भी कर सकता हूँ। आयुष्मान भव। बेटा, तुम कहाँ हो? क्या हम तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकते? बताइए धर्मदेव, मेरे अंधकार में जीवन में कब उजाला होगा? मेरे स्वामी किस उपाय से पूर्वावस्था प्राप्त कर सकते हैं? उपाय तो है, परंतु उसे पूर्ण करना बहुत ही कठिन है। अपने संकोच बताइए धर्मदेव। अपने स्वामी को पूर्वावस्था में लाने के लिए मैं आकाश पाताल भी एक कर सकती हूँ। तो सुनो पुत्री, सोमवार का व्रत, रोम नमः शिवाय का जाप करते हुए तुम सभी तीर्थों की यात्रा करो। तुम्हारी यात्रा पूर्ण होते ही तुम्हारे पति को उनकी पूर्व अवस्था अवश्य प्राप्त हो जाएगी। धर्मदेव, मैं अवश्य ही महापावन तीर्थों की यात्रा करूंगी। केवल तुम ही नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। धन्य हो धर्मदेव, तुम धन्य। वाह मुनिवर, मित्र हमारे बनते हो और महिमा गाते हो हमारे शत्रु धर्म की। नारायण नारायण, मैं तो वही कह रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहे हैं आप? जो आप नहीं देख रहे हैं। हम क्या नहीं देख रहे? देखिए, आपने महाराज चित्रांगद को दहेज किया और धर्म ने उन्हें ठीक करने का उपाय बता दिया। उपाय? वो क्या? बतलाता हूँ, तासा धीरे से सुनो। तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा? हाँ बाप देव, सिमंतनी की तीर्थ यात्रा पूर्ण होते ही चित्रांगद पूर्वावस्था में आ जाएगा। कभी नहीं, धर्म का बताया हुआ उपाय सफल नहीं हो सकता। हम सिमंतनी की तीर्थ यात्रा कभी पूर्ण नहीं होने देंगे। सिमंतनी, तुम यही ठहरो, मैं पूजा के लिए फूल लेकर आता हूँ। स्वामी, शीघ्र वापस आइएगा। बस मैं यूं गया और यूं आया। सिमंतनी, पाप का सेवक व्यभिचार। पाप का सेवक व्यभिचार? यहाँ क्या करने आए हो? तुझे चेतावनी देने। याद रख, अगर अपना भला चाहती है तो तीर्थ यात्रा करने का विचार छोड़ ले। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जान ले, इसका परिणाम भयंकर होगा। परवाह नहीं, मगर तुम भी जान लो, परिणाम चाहे कुछ भी हो, मैं अपना संकल्प नहीं बदलूंगी। मैं तीर्थ यात्रा अवश्य पूर्ण करूंगी। इससे पहले ही तेरी मृत्यु यात्रा पूर्ण हो जाएगी। समाप्त करके छोड़ूंगा। क्या समिति बड़ी आई तीर्थ करने वाली? समिति कह दू, मैं तुझे तीर्थ यात्रा नहीं करने दूंगा। मैं तुझे मार के ही रहूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ला विचार, क्या है समाचार? सती का बेड़ा पार है, आपका बंटा धार है। क्या कहा? जबान फिसल गई,
आपका बेड़ा पार है, सती का बंटा धार है। मैंने सती को डबो कर मार डाला। मार डाला? बहुत अच्छा किया व्यभिचार, बहुत अच्छा किया। हमारी शक्ति को चुनौती देने वाले सिमंत्री डूब कर मर गई। सिमंतनी तुम कहाँ हो? स्वामी, स्वामी मुझे बचाइए। स्वामी, आपने समय पर पहुंचकर मुझे बचा लिया। नहीं नहीं, मैंने नहीं, भोले शंकर ने बचाया। और जब तक उनकी कृपा हम पर है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिमंतनी आओ। चली देह रहित पति संग सिमंतनी, लेकर ये अखंड विश्वास, ये महापावन तीर्थ यात्रा पूरन करती सबकी आस। सारे जग में महिमा जिनकी, पूर्णिया की ये काली माता भक्तों का कष्ट मिटाती है, इन्हें तारा भगवती भी कहते, रीझे तो सुख बरसाती है। ये है सहरसा के सिंहेश्वर, मृग रूपी शिव जी के सिंह को विष्णु जी ने यहाँ बसाया। सीता जी की जन्मभूमि ये सीतामढ़ी है इसका नाम, जन्म यहाँ पे जनक दुलारी, सबसे पावन है ये धाम। इसी भूमि पर एक समय फल राजा जनक चलाते थे, फल राजा जनक चलाते थे। इंद्र देव होमे प्रसन्न, सब उनके ही गुण गाते थे। तभी अचानक अटका हल, आगे ना बढ़ पाया तिल भर, आगे ना बढ़ पाया तिल भर। सीता जी प्रकट हुई तो जनक ने उठा लिया उनको बढ़कर। सिया जन्म की कहे कहानी, सीता मढ़ी महान, दर्शन कर ले रे इंसान। ये वही जनकपुर धाम जनक ने स्वयंवर जहाँ रचाया था, शिव धनुष राम ने तोड़ यहीं सीता जी को अपनाया था, शिव धनुष राम ने तोड़ यहीं सीता जी को अपनाया था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये कपिलेश्वर इसे किया स्थापित कपिल मुनि ने, ज्ञान दिया तो इनकी माने, पाया मोक्ष यहीं पे। दरभंगा में ये राज राजेश्वरी
मंदिर काली माता का, यही किया था प्रभुवर रघुवर ने उद्धार अहिल्या का। पशुपतिनाथ है ये, यहाँ भोले शंकर रहते हैं, शिवलिंग यहाँ का पंचमुखी है, शक्तिपीठ इसे कहते हैं, मुजफ्फरपुर की ये देवी, इनके दर्शन से पाप कटे, ये सिवान की दुर्गा जी, जिनकी कृपा से सब अभिशाप मिटे। यहाँ गज और ग्राह का युद्ध हुआ था, वही सोनपुर ग्राम है ये, विष्णु और शिव संग बसे हैं, हरिहर क्षेत्र का धाम है ये, मुंगेर के सीता कुंड में फूल चढ़ाने से हो जन्म सफल, भागलपुर के अजगैविनाथ पवित्र यहाँ का गंगा जल। पटना की ये पटन देवी है, शक्ति पीठ ये अति अभिराम, किसी देवी के नाम के कारण पटना पड़ा नगर का नाम। सम्राट अशोक ने बनवाया ये अगम कुआं है कहलाता, शीतला माता भी बसी यहाँ, इनसे जग शीतलता पाता, ये गुरुद्वारा है पटना में, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, जिनके दर्शन करने से हो जाता प्राणी का कल्याण। ये गया धाम का तीर्थ जगत में, अति पावन है ये धरती, जो पिंड दान यहाँ करें उनके पितरों को मिलती है मुक्ति। बैजुभील द्वारा स्थापित वैद्यनाथ ये धाम अमर, यहाँ सती का हृदय गिरा था, शक्तिपीठ ये अति सुंदर। नाथ नागेश्वर लिंग की भक्ति भरी ये कहानी रे, पड़ा बिहार में अकाल भीषण, मिला न दाना पानी रे, यही एक शिव भक्त वासुकी पल पल धरती खोद रहा, शायद खाने को मिल जाए कंद मूल फल खोज रहा। तभी अचानक ठोस अस्त्र अज्ञात लिंग से टकराया, देख रक्त की बहती धारा, भक्त बहुत ही घबराया, गूंजी तब आकाश में वाणी, बोल उठे शंकर भगवान, इन्हें यही स्थापित कर तो सारे जग का हो कल्याण, इनकी पहली पूजा की थी भक्त वासुकी ने धर ध्यान, इसीलिए इस धाम का नाम पड़ा है वासुकीनाथ महान। बोलो श्री वासुकीनाथ की जय।
ये धर्मनाथ मंदिर छपरा में इनकी महिमा परम पार दिगवारा की ये महामई माता करती कुल का उद्धार बंगाल का है ये परम तीर्थ ये तारकेश्वर कहलाता है जो इनके दर्शन कर लेता वो महापुण्य फल पाता है वही काली कलकत्ते वाली जिसका बदन न जाए खाली सबकी इच्छा पूरी करती ऐसी माँ ये खप्पर वाली काली माँ दक्षिणेश्वर की इन जैसा कोई नहीं दूजा परमहंस श्री राम कृष्ण ने की थी इनकी ही पूजा श्री चैतन्य महाप्रभु की है जन्मभूमि नवद्वीप ये हम इन मन हर मूरत का गौरांग महाप्रभु भी है नाम शिव शंकर के स्वयं भुलिंग से कटक बन गया तीर्थ महान इनकी कृपा हो जिस पर पाए रुद्र लोक में वो स्थान जगन्नाथ पुरी की जय जय कृष्ण और बलराम की कितनी अनोखी है सुनो महिमा कथा इस धाम की श्री कृष्ण की रानियों ने मारोहिणी से ये कहा गोपी प्रेम प्रसंग की हमसे कहें सुंदर कथा चल रही चर्चा पुरानी कक्ष के अंदर उधर दे रही पहरा सुभद्रा खड़ी बाहर द्वार पर बलराम और श्री कृष्ण आ पहुँचे अचानक तब वहीं लाख पर्दा हो प्रभु से कुछ भी छुप सकता नहीं याद कर बचपन सुहाना मुस्कुराए प्रभु जरा कहा नारद ने प्रभु इस रूप में रहिए सदा इस रूप में रहिए सदा तब से यहीं पे तीनों विराज मधुर लिए मुस्कान दर्शन कर ले रे इंसान मेरे पैरों में गिरने से क्या होगा जाके धर्म का चरण छूएंगे धर्म के कल्याण हो जाएगा नारायण नारायण देखिए पाप देव आप तो मुझ पर बेकार बिगड़ रहे हैं ये सब कुछ सिमंतनी की तीर्थ यात्रा का प्रभाव है नारद सुनिए तो आपके सिंहासन की टांग टूट गई और आपकी टांग भी टूट गई नारद तुम सीमा से आगे बढ़ रहे हो अजी सीहू आगे आगे तो सती पहुंच चुकी वो अपनी प्रथम यात्रा के अंतिम तीर्थ पर पहुंच चुकी है आप होश में तो है मुनिराज उसे तो व्यभिचार ने डुबो दिया है नारायण नारायण पाप सदा डूबता है धर्म नहीं आप समझते क्यों नहीं जब तक सती का सतीत्व उसके साथ है आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते सती का सतीत्व सती का सतीत्व हाँ 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 अब आया कुछ भेजे में नारायण नारायण अनाचार बड़े भाई तुम किस सोच में हो स्वामी भक्ति के लिए तैयार हो जाओ या इस पार या उस पार नारायण नारायण पाप देव मुझे आज्ञा दीजिए मैं अभी सती का सती तो भंग कर देता हूं शाबाश जाओ अनाचार
देवी जी जल्दी खाने लगाओ। भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अच्छा हुआ चूहे दौड़ रहे हैं, बिल्लियां नहीं। बिल्लियां नहीं, आज तो शेर दौड़ेंगे, देखना एक झटके में सारा खाना समाप्त। अरे जल्दी लाओ ना। देवी जी आज देखता हूँ तुम जल्दी खाना बनाती हो या मैं जल्दी खाता हूँ। तो श्री गणेश कीजिए। नहीं अब तो गले तक पेट भर गया। अच्छा अब आप आराम कीजिए, मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ। तुम्हारी भक्ति और प्रेम का चमत्कार है, जैसे तुम नदी की तरफ गई वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हुए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद किए, बस मुझे मेरा शरीर मिल गया। किंतु धर्मदेव ने तो कहा था कि तीर्थ यात्रा पूर्ण होने के बाद। धर्म की बात छोड़ो, प्रेम की बात करो प्रिय। सामने नदी की धारा बह रही है और एकांत भी है, आओ हम भी प्रेम की धारा में बह जाएं। नहीं 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 क्यों प्रिय, तुम्हारा मधुर स्पर्श पाने के लिए मन कब से व्याकुल हो रहा है, अब देर ना करो, आओ मेरी बाहों में समा जाओ। आज तुम कितनी सुंदर लग रही हो। नहीं स्वामी, तुम मुझे ही अपना स्वामी समझ। लेकिन मेरे सती तो ने आज मेरी लाज रख ली। कहीं के बल पे तू अकड़ती है, मैं उसे भंग कर ही रहूंगा जब तक मेरे प्राण ये सफल नहीं छोड़ेगा। शरीर नहीं वो तेरी क्या रक्षा करेगा। कौन कौन है? तुम्हारा बाप चित्रांगद। चित्रांगद श्रीमंती ने का पति। पापदेव की जय। खैर जा बच्चू,
बताता हूँ। कहाँ गया? किधर? आओ चलो प्रिय। पापदेव मर गए। अरे उल्लू पापदेव कहाँ मर गए, हम तो जीवित हैं। आप तो जीवित हैं। अरे क्या हो गया तुम्हारी? इतने की सोचा था क्या क्या हो गया? उल्लू बताएगा अभी क्या हुआ। महाराज सती का सत भंग करने गया था, मेरा ही अंग भंग हो गया, ऐसे डंडे पड़े। किसके डंडा मारा? जिसको आपने शाप देकर देरहित किया था। कौन? चित्रांगद? चित्रांगद नहीं, उसे काल कहो काल। उसने मेरी ऐसी पिटाई की कि छठी का दूध याद आ गया। उस देरहित की इतनी हिम्मत, हम उसे देख लेंगे। स्वामी आज हमारे प्रथम खंड की यात्रा पूर्ण हो चुकी है। हाँ सिवंदनी। आइए हम दोनों मिलकर इस तीर्थ की पूजा करें। हाँ हाँ अवश्य अवश्य। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे प्रभु मेरे स्वामी को जीव रूप प्रदान कीजिए। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। सिमंदनी मैं चित्रांगद हूँ। हाँ हाँ सिमंतनी तुमने मुझे जीव रूप में मांगा था, सो देखो मुझे जीव रूप मिल गया है। नारायण नारायण। अरे नारायण नारायण जरा संभल के पापदेव, ये आंधी और तूफान की तरह आप कहां भागे चले जा रहे? ये भी आपको बताना पड़ेगा नारद जी, मैं सिमंतनी को रोकने जा रहा हूँ, वो अपनी प्रथम यात्रा के अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाएगी। पापदेव उसने तो अंतिम मंदिर के दर्शन भी कर लिए। दर्शन भी कर लिए? हाँ हाँ, और उसका देहरथ पति जीव रूप में भी आ गया है। क्या कहते हो नारद? मैं ठीक कहता हूँ, वो नाग बन गया है। नाग? तो इससे सिमंतनी का क्या भला होगा? पापदेव ये मत भूलो कि जब एक ही खंड की यात्रा है चित्रांगन नाग बन गया तो आगे चलकर मनुष्य भी बन सकता। नहीं मुनिवर ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि नहीं हो सकता, हम तो एक बात जानते हैं, करो या मरो। नारायण सिमंदनी अपने नागपति के साथ। बस बस देवी जी जन बहुत ठंडा है, ज्यादा गोते मत लगाओ नहीं तो ठंड लग जाएगी।
ठंड लगी आपके दुश्मनों को। अच्छा स्वामी, अब आप यहाँ विराजिए, मैं नहा कर आती हूँ। स्वामी आप उस तरफ मुंह फेर लीजिए ना, मुझे लाज आती है। मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे लाज कैसे? बड़े नटखट हो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अब तो मान जाइए। लो बाबा, मान गए। बस सुमंतनी। फिर देखा आपने? अच्छा देवी जी, नहीं देखता। काश मैं पूर्वावस्था में होता तो। सुमंतनी बचालो। मुनिवर, ये मामूली सांप नहीं, हमारा शत्रु चित्रांगद है। वाह भाई वाह, हमने कहा और आपने गिद्ध बनकर झपट्टा भी मार लिया। नारद जी, बुद्धिमान वही जो समय पर कर गुजरे। हाँ सो तो ठीक है, पर ये सब कुछ करने से क्या लाभ? मुनिवर आप नहीं समझते, सीमंतनी अपने नागपति को जीवित न समझकर अपनी यात्रा का विचार ही छोड़ देगी। हाँ सो तो ठीक है, किंतु सांप को इस तरह हाथ में लिए लिए घूमना ये कौन सी नीति है? कहो तो बीन भी ला दूं, पूरे मदारी बन जाओ। बाप देव, इससे पहले कोई देख ले तुम्हारी हंसी उड़ाए, छोड़ दो इसे, छोड़ दो छोड़ दो। नहीं मुनिराज, क्या आपने मूर्ख समझ रखा है? ऐसे छोड़ दिया तो ये सीमंती के पास पहुंच जाएगा। तो फिर कैसे छोड़ोगे इसे? ऐसे। स्वामी स्वामी, हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो गया? वो मुझसे सदा के लिए बिछड़ गए, मेरा संकल्प अधूरा रह गया, मेरी सब आशाएं चूर चूर हो गई। हे भोलेनाथ, स्वामी के बिना मैं अभागन भी जीवित रहकर क्या करूंगी? मैं भी अपने प्राण दे दूंगी, मैं भी अपने प्राण दे दूंगी। ये क्या अनर्थ कर रही हो? सत्य पथ पर चलने वाली तुम जैसी स्त्री यदि इस तरह प्राण दे देगी तो साधारण सिंह की स्थिति क्या होगी? धर्मदेव, जब मेरे स्वामी ही न रहे तो अब मेरा जीवित रहना भी व्यर्थ है। गिद्धरूपी काल ने मेरे स्वामी का मुझसे छीन लिया। पुत्री, आयु पूर्ण होने से पहले किसी की भी मृत्यु कर सकना ये काल के लिए भी संभव नहीं है। इसीलिए तुम ये बस सोचो कि तुम्हारे पति जीवित नहीं है। हाँ पुत्री, तुम आशा और श्रद्धा के साथ दूसरे खंड की यात्रा पूर्ण करो, तुम्हें अपने पति अवश्य मिल जाएंगे। धर्मदेव, मैं अवश्य ही दूसरे खंड की यात्रा पूर्ण करूंगी। तथास्तु। जग में
वही महिम की वो तीरथ है महान, नहीं है धरती पर भगवान, दर्शन कर मेरे इंसान। तिरुपति बालाजी की महिमा सारे जग में बड़ी महान, भोले भक्त की कथा कहे प्रभु के मस्तक पर पड़ा निशान। एक भक्त मंदिर में नित आता था दूध चढ़ाने को, एक बार बीमार पड़ा आ सका न नियम निभाने को, बाल रूप धर भक्त के घर जा पहुँचे बालाजी तत्काल, दूध गाय का पीने लगे तो भक्त क्रोध से हो गया लाल, चोर समझ कर उसने काठ से मार तो दिया अनजाने, प्रकट हुए निज रूप में भगवान भक्त लगा फिर पछताने। बालाजी की मूरत में है उस लकड़ी का निशान, दर्शन कर ले रे इंसान। बोलो श्री बालाजी की जय। यही हैदराबाद नगर की तेजमयी काली माता, इनकी शरण जो आता वो जीवन भर सुख ही सुख पाता, विजयवाड़ा की कनक दुर्गा जी जग में कोई न इनके समान, वारंगल की भद्रकाली जी अष्टभुजी माता ये महान। ये मदुरा की मीनाक्षी देवी मीन समान विशाल नयन, इनके शुभ दर्शन से होता पावन ये तन मन जीवन। चेन्नम्मा देवी मद्रास की महालक्ष्मी भी इनका नाम, शक्तिमती माँ के आंचल में सदा सुरक्षित है ये धाम, कांजीवरम का एकामेश्वर मंदिर है शिव कांची में, दर्शन से धन्य बने जीवन देवराज है विष्णु कांची में, ये है काल हस्तीश्वर मंदिर शक्तिपीठ एक है ये भी, देवी सती का दाया कंधा इसी धरा पे गिरा कभी, कुंभकोणम में सारंग पाणि का मंदिर महिमा में महान, यहाँ विराजमान है सुंदर शेषशायी विष्णु भगवान। ये चिदंबरम नटराज रूप में यहाँ विराजे शिव शंकर, और ये तंजौर का मंदिर है इसको कहते हैं पृथ्वीश्वर, त्रिचुरापल्ली में श्री रंगम लेते हैं यहाँ विष्णु भी, श्री रामचंद्र ने मन भावन ये मूर्ति विभीषण को दी थी। ईश्वर की शोभा है जम्बू ऋषि के तप का फल, ये पाप नाशम जहां पाप का ताप मिटा दे एक झरने का जल। यहाँ कहते किसे रामेश्वरम, ये लिंग भगवान का अनोखा ये कथा अति सुंदरम,
कैसे हो लंका विजय सोचे श्री राम लखन सभी हम इष्ट देव की करें पूजा राम ये बोले तभी लिंग बालू का बना कर किया पूजन राम ने विजय का वर दिया शंकर ने प्रकट हो सामने पूजन किया जहाँ राम ने वहीं बनाए रामेश्वरम जो भक्त इनके द्वार आए पार हो भव सागरम पार हो भव सागरम। प्रभु राम ने स्वयं बनाया धाम ये स्वर्ग समान दर्शन कर ले रे इंसान। बोलो श्री रामेश्वरम की जय। कुमारी के चरणों में भक्तों का सौ बार नमन यही किया कन्या बन माँ दुर्गा ने वाणा सुर का दमन ये है शुचिंद्रम के शंकर जी इनकी महिमा है भारी नगर कोइल में ये नागेश्वर महादेव है सुखकारी। श्री पद्मनाभ मंदिर ये त्रिवेंद्रम में इसकी है निराली शान यहाँ दिवाकर भक्त के लिए बालक बन प्रगटे भगवान गुरुवायूर की ये मूरत कलयुग में करे सबका कल्याण यादवगिरी में संपत कुमार स्वामी का मंदिर ये है महान। मैसूर में ये चामुंडा देवी इन्होंने जग उद्धार किया यहाँ पार्वती ने आदि शक्ति बन महिषासुर संहार किया। बंगलौर का ये पावन मंदिर भक्तों कर लो इनके दर्शन ये सत्य नारायण का मंदिर एक झलक से सफल बने जीवन। बेलगांव का सुंदर मंदिर सुख में बनाए जीवन को ग्राम गोवा में माँ लहराई की महिमा भारी वैशाख पंचमी के दिन आग जलाते यहाँ सब नर नारी चलते अंगारों पर चलकर व्रत पूरा करते व्रतधारी पाँव किसी का चले नहीं ये देख दंग दुनिया सारी। कोल्हापुर में महालक्ष्मी जी का ये धाम है स्वर्ग समान यही सती के नयन गिरे एक शक्ति पीठ ये भी है महान। ये पंढरपुर का तीर्थ यहाँ भगवान विठोबा रहते हैं जिस कारण बना ये धाम अमर वो कथा आज हम कहते हैं। पिता की सेवा में कुंडलिक रहता था सदा मगन उसकी सच्ची लगन देख कर प्रसन्न हो प्रगटे भगवन देख प्रभु को भक्त ने सोचा कैसे करूं इनका सत्कार आसन देने को प्रभु वर को ईंट का टुकड़ा फेंका बाहर मात पिता के सच्चे भक्त से प्रभु बोले मांगो वरदान रुक्मणी के संग यही विराजे तो होगा सबका कल्याण।
प्रकट हुई रुक्मणी वहीं पर बना ये तीर्थ महान। दर्शन कर ले रे इंसान। बोलो विठ्ठल रखू माई की जय। शोलापुर में लक्ष्मी नारायण का मंदिर मन मोहे, कुलकारण रण छोड़ राय जी का स्थान यहीं सोहे। तुलजापुर में यही वो तुलजा भवानी का मंदिर है महान, जहाँ शिवाजी को दर्शन दे माने किया था खड़ग प्रदान। ये पार्वती मंदिर पूना में किसकी छटा निराली है, जो भक्त इनके द्वारे आए वो कभी न जाता खाली है। बम्बई में श्री महालक्ष्मी मंदिर का है ये पावन धाम, ये मुंबा देवी इनसे ही मुंबई पड़ा नगर का नाम। नासिक में ये राम कुंड धो देता सात जन्म के पाप, मुक्ति धाम का दर्शन करके मिट जाते जीवन के ताप। ये शिरडी के साईं बाबा महिमा इनकी अपरंपार, उसके सारे कष्ट मिटे जो शीश झुकाए इनके द्वार। रायपुर का ये दुधारी मठ है नगर के गौरव का आधार, ऐसे संत ने इसे बनाया दूध ही था जिनका आहार। ये बिलासपुर के श्री व्यंकटेश्वर अनाथ के हैं ये नाथ, मैयर की ये शारदा देवी दीजे तो सब सुख दे साथ, कटनी की ये जानपा देवी काटे मुह माया के जाल। जबलपुर का ये महामंदिर सुंदर पावन भव्य विशाल, ये राम टेक में राम का मंदिर रुके यहाँ वनवासी राम, शे गांव में श्री गजानन जी की समाधि सुंदर है, यही अकोला का प्रसिद्ध श्री राज राजेश्वर मंदिर है, ये है भुसावल का शिव मंदिर खड़ा तापती के तट पर, सबकी साध करे पूरी जलगांव किसी ओंकारेश्वर। सारे जग में महिमा इनकी होती है महान, यही है धरती पर भगवान, दर्शन कर ले इंसान। नारायण नारायण दुहाई है धर्मदेव दुहाई है। आए आए देवर्षि। नारायण आए। क्या हुआ मुनिवर? क्या बताऊं क्या हुआ, बताइए ना क्या हुआ। हाय नारायण नारायण कैसी समस्या है, कुछ बताया भी नहीं जाता और बताए बिना रहा भी नहीं जाता, सब हड्डी पसली बराबर हो गई है। सब हड्डी पसली बराबर हो गई? नारायण नारायण अब बतलाना ही पड़ेगा, तो सुनिए, आकाश से धरती पर पटका गया। आकाश से धरती पर? आकाश से पटका तो बबूल में अटका। बबूल में? हाँ बबूल में अटका तो अटका, फिर मदारी ने पकड़ लिया। मदारी ने? मदारी ने पकड़ा से पकड़ा, फिर नेवले के साथ लड़ाई हो गई। किंतु मुनिवर नेवला तो सांप से लड़ता है। नारायण तो मैं अपनी बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं भी तो सांप ही की बात कर रहा हूँ, सर्प रूपी चित्रांगद की। मुनिवर तो फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया?
धर्मदेव, आप जैसा जैसा पूछते गए मैं बतलाता चला गया। किंतु अब ये बताइए मुनिवर कि चित्रांगद कहाँ है? धर्मदेव, वो बेचारा घायल होकर वन में पड़ा है। और सिमंतिनी? वो चित्रांगद के वियोग में शिव मंदिर में बैठी हुई ओम नमः शिवाय का जाप कर रही है। पत्नी इधर, पति उधर, नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। 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 सिमंतिनी, 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 देखो मुझे मनुष्य रूप मिल गया है। स्वामी, ये सब दूसरे खंड की यात्रा का प्रताप है। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। नारायण नारायण। कितना सुंदर दृश्य है। विविचार, असत्य, अनाचार, पाप देव की आरती उतार रहे। उतारो, जी भर के आरती उतारो। देखो बे, तुम्हें इस सेवा का मेवा मिले ना मिले, परंतु सती को तो मेवा मिल ही गया। कौन सा मेवा नारद? पाप देव चित्रांगद नाग रूप से मनुष्य रूप में आ गया है। क्या कहते हो नारद? हाँ हाँ हाँ, समझते क्यों नहीं हो, सती के तीर्थ यात्रा के प्रभाव से चित्रांगद ने बाल अवस्था प्राप्त कर ली है। बाल्यवस्था प्राप्त कर ली है? सुनिए, वो दिन दूर नहीं जब वो पूर्ण अवस्था को पहुंच जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता नारद। क्या ऐसा नहीं हो सकता? आपकी तो मारी गई है मति, और ना जाने होने वाली है कि आपकी गति। हम करते हैं आपकी अभी दुर्गति। आप दे, मेरी नहीं, मेरी नहीं, बालक पति की, बालक पति की। नारायण नारायण, बालक पति की? असत्य। क्या गया आपदे? सीमंतनी का बालक पति। बालक पति? मैं एकदम बालक पति। जादू डोना उतार देगा। चल मेरे लाल, नहीं, ये मेरे पति है, इसे मत ले जा। बाबू की जय हो, लीजिए हमारा सीमंतनी का पैर। पति, सीमंतनी का बालक पति, ये तो रोने लगा।
चुप हो जा, चुप हो जा। नारायण नारायण, पाप देव आपने विवाह भी कर लिया। एक बच्चे के पिता भी बन गए और मित्र के कारण हमें मिठाई खिलाना तो क्या, आपने बुलाया तक नहीं। मुनि भाई, ये बच्चा बड़ा सुंदर बच्चा है, हमारी भाभी। बच्चे की माँ कहाँ है? माँ वो नी 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 है पृथ्वी लोक पर। माँ पृथ्वी लोक पर, बच्चा ऊपर है। नारायण, आप समझते क्यों नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं, सीमंतनी का पति है चित्रांगद। नारायण नार, चित्रांगद बालक के रूप में। कहो कुमार, क्या हाल है? आयुष्मान, जानते हो नारद, ये नाग से बालक बन गया। नारायण नारायण, नाग से बालक बन गया। सावधान पापदेव, तब तो सीमंतनी की यात्रा पूर्ण होते ही ये अवश्य पूर्वावस्था में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा मुनिवर, इसके बिना सीमंतनी की यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकती। वह इसके वियोग में व्याकुल होकर अवश्य प्राण त्याग देगी। नारायण नारायण, पाप देव आपकी बुद्धि पर तो पत्थर पड़ गए हैं। इस बालक को यहाँ लाकर आपने सीमंतनी की यात्रा और भी आसान कर दी। आसान कर दी, और नहीं तो क्या। पाप देव, यहाँ आप इसे गोद में खिलाते रहो और वहाँ सीमंतनी अपनी यात्रा पूरी करती रहेगी। यात्रा पूरी हुई और बच्चा आपके हाथ से छटका और आपका सारा उपाय लटका। देवी जी, हमारा कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जा सकता। इसे कोई भी शक्ति सीमंतनी के पास नहीं ले जा सकती। असत, ले जाओ इसे और पाप लोग भी इसे सावधानी से संभाल कर रखो। जो आज्ञा गुरु जी। अबे ओ गुरु जी के बच्चे, बहुत संभाल के रखना इसे, बालक बड़ा चंचल है, बड़ा नटखट है। याद रख, अगर ये कहीं भागा तो तेरे भाग्य का टूट जाएगा धागा और तू चिल्लाता फिरेगा, यहाँ भागा वहाँ भागा, इधर भागा उधर भागा, भागा ही भागा। लो भाई, मैं ही भागा। सारे जग में वही मजनी की वो तीरथ है महान, यही है धरती पर भगवान, दर्शन कर ले रे इंसान। सूरत की ये बड़ी अंबाजी, कोई इनका पार न पाता, दर्शन से हो पूर्ण मनोरथ, जय 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 जगदम्बे माता। नई अंबाजी का मंदिर भी यही है नदी किनारे, ये राज राजेश्वर बड़ौदा में है, दीन दुखी के सहारे। गुजरात में अब तक भक्त बुडाना का शुभ नाम, जिसके कारण अमर है धरती पेरण छोड़ जी का ये धाम। हर साल बुडाना पत्नी सहित डाकोर से द्वारका जाता था, कर द्वारका नाथ का दर्शन तुलसी दल जल वहाँ चढ़ाता था। बीता समय हुए बूढ़े, रही चलने की भी शक्ति नहीं, पर दर्शन का नियम न तोड़ा, देखी ऐसी भक्ति नहीं। द्वारकाधीश
द्वारकाधीश द्वारकाधीश द्वारकाधीश अपने प्रभु को देख सामने भर आए दोनों के नयन भक्त झुके चरणों में गले लगा कर ये बोले भगवन अब दर्शन के लिए द्वारका तुम्हें नहीं होगा आना इस मूरत को अपने संग डाकोर आज तुम ले जाना भक्त बोडाना भगवन की मूरत को ले आए डाकोर कीर्ति पता था इस तीर्थ की तब से फहराती चहुओ ये है शारदा पीठ जहाँ श्री सरस्वती जी का है वास ये वड़ताल के स्वामी नारायण पूरी करते सबकी आस अहमदाबाद की ये भद्रकाली करती है सबका कल्याण यही है गीता मंदिर जहाँ विराज रहे हैं कृष्ण भगवान भावनगर में रूपुरी माता का ये मंदिर है विशाल इनकी सच्ची भक्ति करो तो टूटे कलयुग का भ्रम जाल ये खेडियार माता कुल देवी भावनगर के राजा की ये गढ़ड़ा में श्री सहजानंद स्वामी मंदिर की झांकी राजकोट में ये अभिलाषा की देवी आशा पूरी जो इनकी पूजा करता होती उसकी आशा पूरी ये हैं गोंडल की भुवनेश्वरी देवी नमन इन्हें सौ बार इनकी भक्ति से मुक्ति मिले खुल जाएं स्वर्ग के सारे द्वार ये हैं श्री स्वामी नारायण कितनी मनोहर ये मूरत दर्शन से मन झूम उठे नैनों में घूमे ये सूरत यही नरसी करते थे पूजन ये जूनागढ़ नरसी चौरा इनकी भक्ति से प्रसन्न हो प्रभु ने था इनका भात भरा सौराष्ट्र में है ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम यही चंद्रदेव का शाप मिटा ये तीर्थ है जग में अनुपम ब्रह्मा जी ने खोदी धरती करने को जग का कल्याण लिंग स्वयं निकला स्थापित किया जिसे प्रभु का धर ध्यान वीरपुर के जय जलाराम ये गूंजे इनकी जय जयकार इनकी महिमा सबसे न्यारी गुण गाए सारे नर नार ये पर्वत गिरनार बसे हैं यहाँ पे दत्तात्रेय भगवन उसके सारे काम बने जो कर लेता इनके दर्शन
पोरबंदर में सुदामा मंदिर इसकी छवि मनहर। सच्चे मित्र थे कृष्ण सुदामा कहता इसका हर पत्थर। द्वारका में ये द्वारकाधीश जी रहते थे श्री कृष्ण यही। चारों धाम में एक धाम ये सप्तपुरी में एक पुरी। सौराष्ट्र की ये हर्षद माता भक्तों में हर्ष लुटाती है। मनवांछित फल देकर पल में सारे दुख दर्द मिटाती है। ये महसाना की अंबाजी इनको लाखों प्रणाम है। सरस्वती भी यहाँ बसी कितना पावन ये धाम है। ये बहुचरा देवी है बच्चों का मुंडन होता इनके द्वार। ये है सिद्धपुर यहाँ शाप से परशुराम का हुआ उद्धार। गुजरात गाए दिन रात इनके गुण ये अंबाजी दयामयी। त्रिशूल शिव का चक्र विष्णु का शोभा इनके हाथों की। किसी मात के द्वार हुआ था बाल कन्हैया का मुंडन। मुख से बोलो जय अंबाजी सफल बना लो ये जीवन। इंदौर की ये अन्नपूर्ण माता इनको पूजे सब संसार। इनके आगे जो शीश नवाए भरा रहे उसका भंडार। उज्जैन का तीर्थ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में है प्रधान। ये है महाकालेश्वर मंदिर इसकी कथा है बड़ी महान। बालक श्रीकर ढूंढ रहा था मन में बसे निज भगवान को। पत्थर में प्रभु की छवि देखी उठा लिया नित पूजन को। सामने रख कर वो पत्थर खोया अपने भगवान में। माने पुकारा मगर लीन था बालक अपने ज्ञान में। क्रोध में माने फेंक दिया वो नन्हा पत्थर का टुकड़ा। जब समाधि टूटी श्रीकर की मुरझाया उसका मुखड़ा। महाकाल है महाकाल रट कर गिर पड़ा वो भूमि पर। देख भक्ति नन्हे मुन्ने की दौड़े आए अभयंकर। जहाँ गिरा था पत्थर शिव शंकर ने मंदिर बनवाया। महाकाल ने स्वयं रचा ये महाकालेश्वर कहलाया। बोलो श्री महाकालेश्वर की जय। सारे जग में महिमा जिनकी वो तीर्थ है महान। यही है जगति पर भगवान दर्शन कर ले रे इंसान। वाड़ के ये आराध्य देव चौमुखी मूर्ति एक लिंग जी की। ये नाथ द्वारा है वैष्णव पीठ यहाँ दर्शन दे श्री नाथ जी। ये श्री कृष्ण का रूप अनोखा कहते इनको चार भुजा जी। द्वारकाधीश ये कंकरौली के इनकी कृपा के सब अभिलाषी। जोधपुर की ये सती माता जिन्हें पूजे सारा राजस्थान। इस घनश्याम मंदिर का राजा विजय सिंह ने किया निर्माण। जय हो बाबा राम देव की राम देव राधन्य धरा।
जहाँ समाधि ली बाबा ने उनका मंदिर वहीं खड़ा। पंच तीर्थ में सर्वश्रेष्ठ ये पुष्कर राज है कहलाता। उस भक्त के जागे भाग त्रिमुखी ब्रह्मा के जो दर्शन पाता। यही राम ने अपने पिता दशरथ जी का था श्राद्ध किया। इसी से पुष्कर को सबने तीर्थों के गुरु का मान दिया। राजस्थान की करणी देवी देश नौक में विराजमान। चूहे भी कर भक्ति जिनकी ऐसी है माता ये महान। मेहो जी का वंश चलाने उनके घर जब जन्म लिया। चतुर्भुजी के रूप में दर्शन देकर सबको चकित किया। बीकानेर की नागाणी माँ गाए गगन भी तेरे गुण। हर बार पुकार तू सबकी सुने इस बार हमारी भी तू सुन। पिलाणी में ये सरस्वती माता का मंदिर भव्य विशाल। इनकी दया अगर हो जाए छूट जाए जग का जंजाल। झुंझुनू का ये महान तीर्थ इसकी छटा निराली है। दयामयी मां रानी सती सबका दुख हरने वाली है। नाम तो था नारायणी बाई तन धन थे जीवन साथी। पति पत्नी का संग सुहाना जैसे दीपक और बाती। गाँव ना करके लौट रहे थे तन धन जी संग दुल्हन के। चारों तरफ से टूट पड़े सब छुपे सिपाही दुश्मन के। आसान संग्राम हुआ पर छल से मारे गए तन धन। तब नई नवेली दुल्हन निकली डोली से रणचंडी बन। रुंड मुंड से धरती भर दी फिर उसने सोचा पल भर। अग्नि प्रकट कर सती हो गई भस्म हुई काया जल कर। उसी भस्म पे बना ये मंदिर गगन गाए गुनगान। दर्शन कर ले रे इंसान। जयपुर के ये गलताजी यहाँ छुप छुप गंगा बहती है। आमेर का महाकाली मंदिर यहाँ काली माता रहती है। का ये गीता मंदिर प्रभु का दर्शन सुख बरसाए। ये महादेव जी गुना के हैं इनके गुण धरती गगन गाए। झांसी की ये महाकाली माँ भक्तों का करती कल्याण। यही है पचकुइया में शीतला माता का पावन स्थान।
ग्वालियर का ये कोटेश्वर मंदिर शोभे यहाँ शिवलिंग महान। ये खेड़ापति मंदिर है यहाँ विराजते हैं श्री हनुमान। निस दिन गूंजे गुरु की वाणी ये मन भावन गुरुद्वारा। श्री सनातन धर्म मंडल का कृष्ण मंदिर कितना प्यारा। नटवर गिरधारी की मथुरा तीन लोक से है न्यारी। प्रभु ने यही अवतार लिया ये लीला भूमि अति प्यारी। मार कंस को मात पिता संग प्रभु ने यहाँ विश्राम लिया। इसीलिए विश्राम घाट भक्तों ने इसको नाम दिया। ये वृंदावन का वंशीवट यही रास रचाते थे नटवर। यहाँ यमुना तट पर मुरली मनोहर चीर चुराते थे छुप कर। सारे जग में महिमा जिनकी वो तीरथ है महान। यही है धरती पर भगवान दर्शन कर ले रे इंसान। अरे क्यों गला फाड़ के सारे पाप लोग को सर पे उठा रहा है। ले खिलौना ले, ले। अरे मेरे बाप खिलौना नहीं तो क्या हम लोगों की जान लेगा। मैं समझ गया तेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ठहर जा मैं तुझे दूध पिलाता हूँ। आ जा। फिर क्या चाहिए तुझे? दही। दही? आ हाय सत्यानाश, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। सुंदरी जी इसके लिए दही ले आ। अभी लाई। अरे मेरे बालक, तू मेरा बालक है। दही खाएगा ना बेटा? तेरे दही खाएगा ले बालक दही खा ले, खा ले दही खा ले। ये तो करती है। हाय हाय सत्यानाश। अरे चुप हो जा, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। तू अपना मुंह काला कर। मुंह काला हो तेरा, मैं मेरा काय को। अरे कर ले बाबा कर ले, किसी तरह इसे चुप तो करवा। मुंह काला करने से चुप हो जाएगा? अच्छा तो खारता हूं। ले बाबा। अबे अब क्या हुआ तेरे को? डर लगता है। डर तेरे की? अब तेरे को डर लगता है? मैं चुप कराऊंगा। आ बालक आ, मेरे साथ आ। बता तुझे क्या चाहिए? मैं गधे पे बैठूंगा। गधे पे? तू बन जाना गधा। नहीं 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 नहीं। अरे तो क्या हुआ, बन जाना गधा? बन जा, जा। बनना ही पड़ेगा। ले ले अगरा है। तुम रहो भाग लो। ये क्या हुलिये बना रखे तुमने? किसी के मुंह पे खाली और किसी के मुंह पे दही। और ये गधा? ये गधा नहीं, ये तो अपना व्यभिचार है। व्यभिचार? हाँ बापदेव, इस बालक को चुप कराने में हमारी ये हालत हो गई है। चुप रहो। अरे बालक कहीं ऐसे चुप होता है, गधे कहीं के। बालक को चुप करने के लिए उसे पालने में झुलाओ, लोरी गाओ, तब कहीं जाके चुप होगा। तुम लोग अपना हुलिया बदल के आओ। आओ बालक आओ, चलो हुलिया बदल के आओ। सो जा राज दुलारे ओ अखियों के तारे।
राजा राज दुलारे ओ अखियों के तारे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तोहे निंदिया पुकारे, तोहे आरती उतारे, अब सो जा राज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हारी भक्ति और तपस्या के फल से पूर्वावस्था में आ गया हूँ। स्वामी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज मुझे सब कुछ मिल गया। धन्य हो भोलेनाथ, धन्य। तुम क्यों सीमंतनी, अपने पति चित्रांगद को पाकर बड़ी प्रसन्न हो रही हो? प्रसन्नता की तो बात ही है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से मेरे स्वामी को फिर से देह मिल गई। आज धर्मदेव की जीत हुई और तुम्हारी हार। नहीं, हम कभी नहीं हार सकते। ये तुम नहीं, तुम्हारा झूठा अभिमान बोल रहा है। धर्म के आगे तुम्हारा कोई मूल्य नहीं। पाप, अपनी पराजय मानकर धर्म की शरण में चले जाओ। धर्म? धर्म की शरण में तो हम प्रलय तक नहीं जाएंगे। तो फिर किसी ऐसी अंधेरी गुफा में चले जाओ जहाँ तुम्हारा कोई मुंह ना देख सके। सुमन, नहीं, अब गरजने से कोई लाभ नहीं, तुम्हारा प्रभाव मिट चुका है। हमारा प्रभाव तो नहीं मिटा, लेकिन हम तुम्हें मिटा देंगे। तुम इसी समय भयानक कुरूपता को प्राप्त हो जाओ। अब अपने इस कुरूप पति को लेकर जीवन भर दुख की ज्वाला में जलती रहो, अब इसका शरीर कभी ठीक नहीं होगा। इस बार भी तुम्हारी चुनौती तूफान में तिनके की तरह उड़ जाएगी। मेरी तीर्थ यात्रा पूर्ण होती ही मेरे जीवन में सुख का प्रभाव फिर से जगमगा उठेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब में महिमा की मिट्टी होती रख दे महान, यही है धरती पर भगवान, दर्शन कर ले रे इंसान। अमृत
सर की इस भूमि में लव कुश ने अमृत को छुपाया, यही गुरु श्री रामदास ने एक सरोवर था बनवाया। धर्म की ज्योत जगाने को जब अर्जुन देव ने लिया अवतार, स्नान से कोढ़ मिटा कोढ़ी का, देख ये गुरु ने किया विचार। इसी भूमि में छुपा है अमृत, सोच यही मंदिर बनवाया, कालांतर में इस धरती पर वही स्वर्ण मंदिर कहलाया। जन्मभूमि वैष्णव माता की, नाम है इसका भूमिका ग्राम। आज सुनो भक्तों किस कारण अमर बना माता का धाम। माता ने बचपन से ही श्री राम से नाता जोड़ लिया, वन में जाते समय रघुवर ने माता को जब दर्श दिया, माँ बोली प्रभु आप आज आतिथ्य करें स्वीकार अभी, प्रभु बोले जब लौटू मन से तुम करना सत्कार तभी। बरसों बरसी इस दिन अखियां बसी उदासी उस मन में, लौट के आए प्रभु जबारे दिखते सन्यासी जैसे, सामने आकर चले गए पर मां ने उन्हें ना पहचाना, जब उनसे हनुमान जी बोले तब माता ने मरम जाना। निस दिन कठिन तपस्या की माता ने पाने को प्रिय राम, वहीं बना है त्रिकूट पर्वत पर देवी का पावन धाम। बोलो माता वैष्णव देवी की जय। केदारनाथ का मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से है एक, नर और नारायण ने कठिन तपस्या की थी वर्ष अनेक, प्रसन्न हो प्रभु प्रकट हुए और बोले मांगो तुम वरदान, कहा भक्त ने ज्योतिर्लिंग में बसो यही मेरे भगवान। तब से शिव जी यहाँ विराजे धाम ये स्वर्ग समान, दर्शन कर ले इंसान। बोलो श्री केदारनाथ की जय। मुक्ति मिले जिसके दर्शन से, ऐसा है अमरनाथ का धाम। सावन की पूनम को दर्शन करने आते हैं भक्त तमाम। बोलो बाबा अमरनाथ की जय। चार प्रमुख धामों में से है एक ये बद्रीनाथ का धाम, परिक्रमा से मोक्ष मिले इस तीर्थ को शत बार प्रणाम, नारद कुंड से नारद जी ने प्रतिमा इनकी निकाली थी, सबका हो कल्याण यहीं पर स्थापित कर डाली थी। देख के सुषमा इस धरती की तन मन शुद्ध बुद्ध भूला रे, याद सदा लक्ष्मण की आदि निरख ये लक्ष्मण झूला रे, प्रभु ने ऋषियों को ये भूमि दी ऋषिकेश है किसका नाम, केवल संत जहाँ बसते हो स्वर्ग से बढ़कर है वो धाम। ये हरिद्वार की पुण्य धरा सब तीर्थों का है निवास, यहाँ गंगा के निर्मल जल में ब्रह्मा विष्णु महेश
का वास यहाँ। ये उन्नाव की दुर्गा कुशहरी दुखियों की दुख त्राता है, कुसुमित कर दे सूना जीवन ऐसी कुसुम भी माता है। चक्र तीर्थ ये नीम सार का अति पवित्र है ये स्थान, उसे मिले सब तीर्थों का फल यहाँ जो करता है स्नान। लखनऊ के इस महावीर मंदिर की महिमा भारी जी, दर्शन से मिट जाए मन की दुर्बलताएं सारी जी। गोरखपुर में ये गुरु गोरखनाथ निराली है माया, यही तपस्या करके गुरु ने जीवन में प्रकाश पाया। ये अवध में राम जन्म स्थान, यहीं पे जन्मे थे श्री राम। ये लक्ष्मण किला यहीं लक्ष्मण जी देह त्याग कर गए सुरधाम। ये वो कनक भवन जिसमें था सीता जी का कभी निवास, ये तुलसी चौरा यहीं काव्य रचा करते थे तुलसीदास। नक्षत्रों में चंद्र ग्रहों में सूर्य वैसे ये तीर्थ राज, जहाँ त्रिवेणी का संगम है पावन यही प्रयागराज। नगर जौनपुर में है ये चौकिया की अनुपम शीतल माता, इनकी कृपा से तन मन जीवन का हर ताप दूर हो जाता। मिर्जापुर में ये है मंदिर विंध्यवासिनी देवी का, आज सुन लो भक्त जन माता की ये महिमा कथा। काल कन्या को समझ कर कंस वध करने चला, उड़ी वो आकाश में और देवी रूप में ये कहा, मूर्ख तेरे काल ने तो जग में जन्म है ले लिया, शुंभ और निशुंभ का भी देवी ने फिर वध किया, देवी ने फिर वध किया। तब से यहीं पे बसी है देवी करे जगत कल्याण, दर्शन कर ले रे इंसान। बोलो विंध्यवासिनी देवी की जय। सारे जग में महिमा जिनकी वो तीर्थ है महान, यही है धरती पर भगवान, दर्शन कर ले रे इंसान। नारायण नारायण, पाप देव सुंदरियों के बीच विराजमान है। आइए मुनिवर आइए। आहा वाह वाह वाह, अंगूर खा रहे हैं, खालो खालो आज जी भर के खालो, किंतु खाइए मुनिवर, रुक क्यों गए? कल आपको विष खाना पड़ेगा। नारद, तुम जब देखो तब उटपटांग बातें करते हो, क्रोध तो हमें ऐसा आता है कि तुम्हें यहां से उठाकर फेंक दूं। नारायण नारायण फेंक दीजिए, किंतु मैं जो शुभ समाचार लाया हूं वो भी मेरे साथ ही बाहर चला जाएगा। शुभ समाचार तो कहिए ना मुनिवर, क्या शुभ समाचार है? आहा हा हा, ये हुई ना कुछ बात, जानते हो सीमंतनी की चौथी यात्रा भी पूरी होने वाली है। तो क्या यही शुभ समाचार लेकर आए हो? पहली, दूसरी, तीसरी और अब चौथी यात्रा भी पूरी होने वाली है। नारायण नारायण, पाप देव
होनहार को भला कौन टाल सकता है। देखिए आपने अपने तर्कस से कैसे कैसे बांध चलाए, परंतु सब बेकार। मुनिवर, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। मेरी समझ में आ रहा है। क्या? देखिए, इन सब झंझटों से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? हाँ, दीवारों के भी कान होते हैं। जरा पास आइए, पास आइए। सती के चरण पकड़कर क्षमा मांग लीजिए। नारायण नारायण नारायण, ठीक है, क्षमा नहीं मांगते तो आने वाले परिणाम के लिए तैयार हो जाओ। परिणाम तो हमारे हाथ में है नारद, हम चित्रांगद को समाप्त कर देंगे, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं पापदेव, भूलते हो, बांस भी रहेगा और बंसरी भी बजेगी। जिसका प्रभु खवैया उसकी कहाँ डूबती है नैया। नारायण नारायण नारायण। स्वामी, हम अंतिम तीर्थ काशी नगरी में आ पहुंचे हैं। इस दुखहरणी गंगा में स्नान कर बाबा विश्वनाथ के दर्शन को चलेंगे। अवश्य चलेंगे, अवश्य चलेंगे। मुझे इस मच्छरदायिनी गंगा में जल्दी स्नान करा। हाँ। जल्दी करो। अभी लो स्वामी। पाप की कालिमा सब दूर हो गई, देखो देखो। हाँ स्वामी, ये सब गंगा मैया के पवित्र जल का प्रताप है। जय गंगा मैया। सुमंत्री, लेकिन मेरे हाथ पांव। आप चिंता न करें स्वामी, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर ये भी ठीक हो जाएंगे। स्वामी, अब कहीं एकांत देखकर मैं भी स्नान कर लेती हूँ। Ha ha ha!
स्वामी क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बहन? मेरे स्वामी को नाग ने डस लिया। नाग ने डस लिया? ये तो मर गया। नहीं नहीं नहीं। इसे उठाकर गंगा में बहा दे। ऐसा मत कहिए। तो फिर क्या करेगी इसका? वो देखिए महन जी, अपने पति की लाश लेकर आ रही है। लाश और मंदिर में? नहीं, अनर्थ की बात है। अनर्थ नहीं, मंदिर को भ्रष्ट कर देगी। चलिए रोकिए उसे। चलिए चलिए। तूने भोलेनाथ के मंदिर को भ्रष्ट कर दिया। जानती हो इस लाश को यहाँ लाकर तुमने कितना बड़ा पाप किया है? हाँ हाँ। इस मुर्दे को यहाँ क्यों लाई है? भोले बाबा के दर्शन करने हैं। नहीं, तू इस अवस्था में भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर सकती। मंदिर में भक्त आते हैं, मुर्दे नहीं। पहले अपने पति को शमशान ले जा और इसका क्रिया कर्म कर दे। ले जाए इसे। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। मुझे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने दीजिए। मैं उनके दर्शन कर अपने पति का जीवन बांधूंगी। भगवान नीलकंठ संसार का विष पीने वाले हैं, वो मेरे पति का विष भी अवश्य पी जाएंगे। लड़की, तू हम सबको मूर्ख बनाना चाहती है। क्या मृत आदमी भी कभी जीवित हो सकता है? हो सकता है, भोले बाबा चाहे तो क्या नहीं हो सकता। इतना विश्वास? उन्हीं की कृपा से। यदि भोलेनाथ की तुझ पर कृपा है तो यहीं से उनका आह्वान कर, यहीं से उनके दर्शन की मांग कर। अवश्य करूंगी। यदि मेरे सतीत्व में बल है, यदि इन तीर्थों में भगवान बसते हैं और यदि इनके दर्शन करने से जग का कल्याण होता है तो आज मेरा भी कल्याण होगा। मैं यहाँ से अपने पति का जीवन दान अवश्य लेकर जाऊंगी। मिल गया उसे जीवन दान। सर चन हा
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Sugandhini. और देखो मेरा शरीर भी एकदम ठीक हो गया. स्वामी ये सब भोलेनाथ की कृपा से हुआ है. जय भोलेनाथ. धामदेव की जय हो. जय हो धर्मदेव. आज ये सत्य हो गया कि मैं तुच्छ हूं और आप महान. नहीं पापे, महान तो सर्वसमर्थ भगवान भोलेनाथ जी हैं. उनकी भक्ति करने से सिमंतिनी महान सती बन गई. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. सारे जग में महिमा जिनकी वो तीरथ है महान. नहीं है धरती पर भगवान. दर्शन कर ले रे इंसान.